नंबर नहीं बताऊंगी मैं, तुम ढूंढो। ऑल ऑफ यू ज्वाइन योर हैंड्स। सबसे पहले सारे बच्चे ज्वाइन हाथ जोड़ो और कोई माइक नहीं खोलेगा बेटा। माइक बंद करो सब। यशी माइक बंद करो। यशी माइक बंद करो बेटा। केवल हाथ जोड़ो और आंख बंद। सायरा मैम साई राम हाँ ठीक है। अब लेसन शुरू करें। लेसन शुरू करें। पार्ट 15 21। कृतिका कृतिका माइक ऑफ करो बेटा। कृतिका हाँ सब माइक ऑफ करेंगे और मैं लेसन पढ़ रही हूँ, समझा रही हूँ। सब मिलाएंगे, उंगली रख के सब मिलाएंगे। दिव्यांशी दिव्यांशी इधर देखो और लेसन मिलाओ। आप क्लास में हो ना तो क्लास में ध्यान दो पूरा, ठीक है। इधर उधर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी बात नहीं करना। जय क्या हो रहा है? यस आदित्य साहू आपका माइक ऑफ करो बेटा। आदित्य साहू आदित्य साहू माइक ऑफ करो। आदित्य साहू आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आदित्य साहू ओके नहीं आ रही। आदित्य साहू को मेरी आवाज नहीं आ रही है। आदित्य साहू चलिए सब लोग लेसन निकाल लीजिए, एक की दो की, और सब उंगली रख के मिलाएंगे, ठीक है ओके। पार्ट 15 एक की दो की। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सब लोग उंगली रख के मिलाओ। दिव्यांशी मिलाओ, लेसन मिलाओ, सब लोग मिलाएंगे। एक केस वाली का एक ही बाल था इसीलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे इसीलिए सब उसे दो की बुलाते थे। यहां तक आपको समझ में आया कि दो बहनें थी और एक एक की थी और दूसरी दो की थी। एक की का मतलब क्या था कि उसके सिर पर एक ही बाल था और दो की का मतलब था उसके सिर पर दो बाल थे। और उसके सिर पर चूंकि दो बाल थे इसलिए वो बड़ी घमंडी थी, इगोइस्टिक थी वो, है ना। प्रद्योत आप क्या कर रहे हो? मैंने लेसन मिलाने को बोला है। यस नेक्स्ट पेज। अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। उसकी माँ दोकी की माँ ऐसा सोचती थी कि उसके जैसी सुंदर कोई। रितेश रितेश मैंने बात करने के लिए नहीं बोला है, लेसन मिलाने के लिए बोला है। लेसन मिलाओ। किताब कहाँ है आपकी? मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है।
किताब दिखाओ आदित्य, रितेश, हाँ, और मिलाना है सबको, सबको किताब मिल में से लेसन मिलाना है। सुनाओगी क्या? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं, नेटवर्क में हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, पर जहाँ जहाँ आप जुड़ते हो बार बार लीव हो रहा हूँ मैम, बार बार लीव हो रहा हूँ। कोई कोई बात नहीं आदित्य, कोई बात नहीं, लीव हो जाओ तो फिर ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है? कोई बात नहीं, नेटवर्क के लिए हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना? ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती, ठीक है? जय, तुम क्या सुनाने के लिए बोल रहे हो? ये किदोकी का क्या मैम? वो बोल रहा है कि आप रीडिंग करवाओगी क्या? ऑफ कोर्स रीडिंग करवाऊंगी मैं। ओके मैम, हर लेसन की हम रीडिंग टेस्ट लेते हैं ना, ये कोई पूछने की बात है जय? मैम मैं ये नहीं पूछ। हाँ तो क्या पूछ रहे हो तुम, क्या पूछ रहे हो जय? कुछ नहीं मैं वो कह रहा था कि आप एक ही तो की फिर से सुनाओगे। अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। उनके पापा जो थे, उनके बाबा, वो इतने काम में उलझे रहते थे कि उनको अपनी बच्चियों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं रहती थी। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई, चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। आपको इतनी कहानी समझ में आई कि जो दोकी थी वो हमेशा एक की को रौब जमाती थी, उस पर धाक जमाती थी, है ना? तो एक की जो है वो दुखी होकर कहाँ चली गई, घने जंगल में। घने जंगल में चलती गई चलती गई चलती गई, तभी उससे एक आवाज आई कि मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास ही एक मेहंदी की झाड़ी लगी थी। मेहंदी तो सब जानते हैं ना, मेहंदी सब जानते हैं, है ना? मेहंदी की झाड़ी होती है, पत्तों से मेहंदी लग, पत्तों को पीस कर मेहंदी लगाते हैं, है ना? पीस कर मेहंदी बनाते हैं। तो मेहंदी की एक झाड़ी थी, उसको कई दिनों से पानी नहीं मिला होगा तो वह सूख गई थी, और हवा के कारण उसके सूखे पत्ते सरसरा रहे थे। नेक्स्ट पेज निकालो, नेक्स्ट पेज निकालो। पानी में ही पानी, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। पास में ही एक नदी की धारा थी, तो चुल्लू ऐसे होता है, चुल्लू आप लोग बनाओ सब, हाथ हाथ से चुल्लू बनाओ, हाथ से, हाँ ऐसे, दोनों हथेलियों को जोड़कर उसको कटोरे जैसा शेप देना, इसको कहते हैं चुल्लू, है ना? क्या कहते हैं? चुल्लू, ठीक है? तो इसमें उसने पानी भर भर कर ऐसे डाला, ऐसे नदी से पानी लाती थी और वो झाड़ी में डाल देती थी, ऐसा कई बार किया उसने। तो मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक की आगे बढ़ गई, फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल सी मतलब बिल्कुल जिसे कई दिनों से खाना नहीं मिला हो, सूखी साखी, दुबली पतली, बिल्कुल ऐसी, ऐसे उसको मरियल बोलते हैं, है ना? एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी।
उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। उसने गाय को खाना भी खिलाया और उसको जो रस्सी से बंधी हुई थी उसको मुक्त भी कर दिया। धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहां जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक की हैरान हो गई। वो चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट पेज। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। तो अम्मा ने उसे पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे, है ना? जादू हो गया, अम्मा ने जादू कर दिया, एक्की के सिर पर बहुत सारे बाल आ गए। एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए थे, वह सरपट घर की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। तो की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। डोकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। डोकी क्या? डोकी स्वार्थी थी, है ना? डोकी क्या? डोकी जो थी वो सेल्फिश थी। एक्की सेल्फिश नहीं थी, डोकी सेल्फिश थी। डोकी को केवल अपने बारे में सोचती थी, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचती थी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने डोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही डोकी ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल गई। डोकी के दो ही बाल थे और वो भी झड़ गए थे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने घमंड दिखाया। उसने न झाड़ी की बात सुनी न गाय की बात सुनी। हम जब दूसरों का भला करते हैं तभी हमारा भला होता है। अगर हम दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा होगा, हमारा कभी भला नहीं होगा। रोते रोते डोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब डोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की डोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ठीक है बच्चों,
कहानी समझ में आई? इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि हमें हमेशा ये दस पौने हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए मैम, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें कभी स्वार्थी नहीं रहना चाहिए। मैम हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम किसी का भला करेंगे मैम एक दिन हमारा भी भला होगा। मैम अच्छा करने से हमारे साथ भी अच्छा होगा। अच्छा करेंगे हम दूसरों के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, है ना? सही है। अगर अपन किसी के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो अपन मतलब ही कहलाएंगे। मतलब ही कहलाएंगे, बिल्कुल सही सही, सबकी बात बिल्कुल सही है। मतलब आपको कहानी समझ में आ गई है ना? ठीक है, आपको कहानी समझ में आ गई। चलिए ठीक है, आप मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ, वो ध्यान से सुनो, है ना? ठीक है, कियांशी हाँ, yes, ma'am. हाँ आश्रय है क्या? हाँ आश्रय, हाँ यस। उसके बाद राम है, राम, सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप, हाँ, और अनन्या आप क्लास में है? नहीं, इसमें से भी दो बच्चे नहीं है, अनन्या और राम ये क्लास में नहीं है। तो आश्रय, कियांशी और सूर्य प्रताप, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आश्रय, कियांशी और सूर्य प्रताप, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा आपको पता है मैंने एक्टिविटी दी थी आप लोगों को, कियांशी कुछ याद है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला है बेटा, आपने देखा था, मैंने उसको व्हाट्सएप, आश्रय आपने देखा था बेटा? हाँ मेरा पापा का मोबाइल खराब हो गया था इसलिए मैं नहीं देख सकता, और मैंने अभी मेरे मामा जी के में ज्वाइन किया और मैं मामा को हूँ। अच्छा ठीक, आश्रय आपने नहीं देखा था बेटा? बेटा मैंने क्लास में भी बताया था और मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा था, आश्रय आपने नहीं किया? मैम मम्मी कल नहीं लेके आ पाएंगी। क्या बोल रहे हो आश्रय, समझ में नहीं आ रहा है? मैम मम्मी स्कूल से लेट आई थी, स्कूल से नहीं कल आएंगी। हम से बात जानवर बनाने वाली एक्टिविटी के लिए कह रही है। जी हाँ, अंगूठे से जानवर, अंगूठे की छाप से जानवर बनाने हैं 10, उसमें सबसे पहला चूहा। पर आपने भेजा ही नहीं बेटा, मैंने कल तक का टाइम दिया था, अब मैं आपको नंबर कैसे दूं बताइए। कियांशी, आश्रय और सूर्य प्रताप, अनन्या और राम, ये 5 लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं भेजा और मैंने इनको अभी कोई नंबर नहीं दिए हैं, और आप अगर बोलोगे तो मैं व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा था बेटा, अगर आप मान लो क्लास में नहीं थे तो व्हाट्सएप पे भी भेजा था मैंने। आश्रय मम्मी स्कूल से आने के बाद आपने नहीं देखा बेटा? कलर नहीं ला, कलर नहीं ला। अरे तो बेटा दो इतने दिनों का, 2-3 दिन का समय था आपके पास, 2-3 दिन में आप कलर भी नहीं ला पाए और आप काम भी नहीं कर पाए। आश्रय
मैम आज वक्त की मिलूंगी। बेटा टाइम लिमिट तो अब गई, अब आप दोगे तो फिर ठीक है मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर मैं फिर आपको 8 में से नंबर दूंगी, आपको 10 में से नहीं दूंगी मैं, क्योंकि आपने टाइम की सबमिट नहीं की एक्टिविटी, हिंदी एक्टिविटी टाइमली सबमिट नहीं की आपने, ऐसे नहीं करना बेटा, देखना है आपको ठीक है। मम्मी जाती है बाहर, मैं मानती हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगांशी आप माइक ऑफ करो, आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी, मैं केवल कियांशी आश्रय और सूर्य प्रताप से बात कर रही हूँ। जो भी एक्टिविटी आपको दी जाती है वो टाइम से सबमिट करना है बेटा, हम वैसे ही आपको सफिशियंट टाइम देते हैं, सारे बच्चों ने कर दी है केवल इन 5 बच्चों को छोड़कर। और कियांशी मुझे आपका बहुत आश्चर्य लगा, आप तो करने वाले बच्चे हो बेटा, आपने कैसे नहीं की, ध्यान नहीं दिया आपने, आप तो हमेशा काम करके देते हो मुझे, इस बार आपने नहीं किया मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। अब कर लोगे ना, अब आप करके भेज देना ठीक है। yes, आश्रय अब करके भेज देना। yes, सूर्य प्रताप मेरी बात सुनो, सूर्य प्रताप मेरी बात सुनो। yes, आप जब घर पे पहुंच जाओगे अपने, तो फिर करके भेज देना ठीक है। पापा का मोबाइल खराब है। अरे बेटा मैं क्या कह रही हूँ, आप जब घर पे पहुंच जाओगे तो अंगूठे की छाप वाली एक्टिविटी करके भेज देना, आई बात समझ में। किताब खोलो जरा आप, सूर्य प्रताप आप किताब खोलो। ये पेज नंबर 93 निकालो सूर्य प्रताप, पेज नंबर 93। पेज नंबर 93 निकाला आपने, हाँ। अब इसमें सबसे नीचे देखो, अंगूठे की छाप से चूहा दिख रहा है आपको, एक तो आपका कैमरा कितना हिल रहा है, बाप रे सीधा ही नहीं है बिल्कुल, दिख रहा है आपको पेज नंबर 93, पेज नंबर 93। आश्रय निकाला, कियांशी निकाला, कियांशी पेज नंबर 93 निकालो, आश्रय पेज नंबर 93। हाँ इसमें 1 2 3 4 चौथे नंबर का अभ्यास देखो, फोर्थ नंबर का अभ्यास, अंगूठे की छाप से चूहा आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है। हाँ पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी, अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ, आपको 10 चित्र बनाना है, 10 कितने कितने चित्र बनाना है, 10, और उसमें से सबसे पहला चित्र चूहा बनाना है, क्योंकि अपना लसन है नटखट चूहा, ठीक है ना। सबसे पहला चित्र काहे का बनाना है, चूहा, और फिर बाकी आपकी मनपसंद के चित्र बनाना है, ठीक है। समझ में आया सबको, तीनों को समझ में आया, समझ में आया हो तो थम दिखा दो, समझ में आया हो तो थम दिखा दो। कियांशी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैंने कहा हाँ, तो मैंने थम दिखाने को बोला ना आपको, हाँ ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप परसों जो आपकी ये होगी क्लास फ्राइडे को, उसमें मैं इस लेसन का रीडिंग टेस्ट लूंगी, ठीक है। सबने सुन लिया? हाँ एक की दो की का रीडिंग टेस्ट लूंगी मैं, ठीक है, परसों फ्राइडे को आपकी जो 9 बजे से क्लास होगी उसमें मैं रीडिंग टेस्ट लूंगी, ठीक है ओके। हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और
और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब आपके फिर से थर्ड असेसमेंट शुरू होगा, ठीक है? थर्ड असेसमेंट आपका है ना, तीसरी परीक्षा आपकी शुरू होगी, ठीक है? वो मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी। मैं आपको सिलेबस भी भेज दूंगी, कौन कौन से लेसन है वो सब मैं आपको आज भेज दूंगी, आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? और जिस दिन टेस्ट लेना होगा मैं उस दिन बता दूंगी, ठीक है? ओके, एक दिन पहले कौन सा टेस्ट लोगी बेटा? थर्ड असेसमेंट तीसरी परीक्षा, पहली आपको याद है आपने रिटर्न पेपर दिया था पूर्वांश? यस। और दूसरा हमने लिया था ओरल टेस्ट लिया था आपका, गूगल फॉर्म लिया था, लिया था ना? जनवरी में तीसरा असेसमेंट होगा, ठीक है? और वो वैसे ही होगा जैसे हमने आपका पहले लिया था, सारा ओरल काम होगा, ठीक है? ओरल और गूगल। मैम फाइनल कब होगा? फाइनल फाइनल कब होगा डिसाइड हो जाएगा। आपको अभी फाइनल के बारे में बताया है क्या कुछ आदित्य? नो मैम। तो बस फिर अभी मैं असेसमेंट थ्री की बात कर रही हूँ, तो आप असेसमेंट थ्री के बारे में बात करो। मैम कल मकर संक्रांति है तो कल छुट्टी होगी? अब ये तो नहीं पता बेटा, अभी मुझे जैसे भी होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है? आपको आपके ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, ओके बेटा? हाँ मैम। हाँ अभी तुम्हारे असेसमेंट थ्री होंगे वो कब से होंगे? बेटा मैं मंडे से शुरू करूंगी। मंडे को क्या तारीख है? मंडे को आज देखो आज है 13 तारीख वेडनेसडे, 14 तारीख थर्सडे, 15 तारीख 16 तारीख सैटरडे, 17 तारीख संडे, 18 तारीख 18 जनवरी से, ठीक है बेटा? योगांशी आप सब लोग लेसन्स की रीडिंग करके रखो, नटखट चूहा और वो कौन सा बाघ वाला कौन सा, बस के नीचे बाघ, ये दो अच्छे से रीडिंग करके रखो आप, ठीक है? और प्लस बाघ का बच्चा और टेसू राजा, ये कविता याद अच्छे से करके रखना, ठीक है? टेसू राजा बीच बाजार, हाँ टेसू राजा बीच बाजार, बस के नीचे, हाँ बस के नीचे बाघ। मैम मेरा प्रोजेक्ट चेक कर दिया, कर लिया पूर्वांश, मंडे से ही टेस्ट चालू करेंगे तीनों। हाँ मंडे से ही टेस्ट चालू करूंगी। हाँ तीनों मैम समर्थ आवाज नहीं आ रही आपकी, ऐसे कर हो रहा है समर्थ, आपके माइक शायद खराब है। मैम एग्जाम कब शुरू होंगे? मैंने अभी बताया ना बेटा, 18 मंडे से मैं शुरू करूंगी, एक ही दिन में सारा नहीं लूंगी, अलग अलग लूंगी। पिछली बार कैसे लिया था हमने ओजस, याद है आपको? मैम मैम बोलो मैम कौन से पोएम याद करना? बाघ का बच्चा और टेसू राजा बीच बाजार। मैं सिलेबस भेज दूंगी, आप चिंता नहीं करें, मैं पूरा सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दूंगी, ठीक है? क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मैं सब भेज दूंगी, आज ही भेज दूंगी, आप लोग देख जरूर लेना, ठीक है बेटा? ओके चलो मैम बोलो। मैम ग्रुप पे भेजेंगी या पर्सन पे? बेटा अपन चीजें काय पे भेजते हैं कृतिका, बताओ ग्रुप? हाँ तो फिर एक प्रश्न आपको, हाँ सूर्य प्रताप बोलो, हाँ सूर्य प्रताप मैगी के में ग्रुप नहीं है, हाँ ग्रुप नहीं है मेरे यहाँ मैगी के में, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, ग्रुप नहीं है तो
मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, ये आपको देखना है, ये इंतजाम आप करो कि आप कैसे सिलेबस देखोगे और क्या करोगे। आई बात समझ में? ये इंतजाम आप करो। जो ग्रुप बना हुआ है सेकेंड सी का, मैं सारा मटेरियल उसी पे डालूंगी। समझ में आया कृतिका? कृतिका मैं मैसेजेस जो भेजती हूँ क्या वो आपको पर्सनल पे भेजती हूँ? कृतिका कृतिका पर्सनल पे भेजती हूँ मैं, तो फिर आपको ये सवाल मन में कैसे आया बेटा? पर्सनल पे अगर मैं भेजने लगी तो मुझे कितने पे भेजना पड़ेगा बताओ? कितने बच्चे हैं? 31 बच्चे हैं, 31 पे ग्रुप्स पे भेजना पड़ेगा। चलिए आशा है सबको समझ में आ गया। गतिक आपने सुन लिया? गतिक आपने सुन लिया? मैम हाँ बोलो। मैम मम्मी ने कुछ काम से भेजा था मुझे। तो बस फिर आप काम ही करते रहो, मत सुनो। एक तो लेट ज्वाइन करना, क्लास में बैठना नहीं, कुछ सुनना नहीं। मम्मी को बोलो, क्लास चल रही थी ना ये, फिर मम्मी ने बीच में से कैसे उठाया आपको? सॉरी मैम। अब आप सुन नहीं पाए, मैं बता रही थी आपको थर्ड असेसमेंट के बारे में बेटा। थर्ड असेसमेंट के बारे में आपको बता रही थी मैं, आप नहीं सुन पाए। यस मैम। तो ऐसे नहीं किया करो बेटा, क्लास में एक डिसिप्लिन रखा करो, ऐसे बीच से उठ के नहीं जाना है। सॉरी मैम। हाँ ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे अच्छा, पेंसिल है सबके पास? हाँ पेंसिल ले लो सब। और मैं जो जो वर्ड बोल रही हूँ उस पे सर्कल लगाओ। वो सर्कल मैं काय के लिए लगवा रही हूँ? काय के लिए लगवा रही हूँ? हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्द, ठीक है? कठिन शब्द करना है आपको, ठीक है? चलिए लिखिए, लगाइए। सबसे पहला बहने, सबसे पहला बहने, आप ढूंढो। स्टार्टिंग से देखो लेसन, मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ समर्थ, बीच से थोड़ी बता रही हूँ आपको। दो बहने थी, वैसे बहने लगाओ, बहने पर गोला लगाओ। अब बहने के ही ठीक नीचे देखो एक केस वाली, और एक केस वाली के नीचे दोन केस वाली, इन दोनों पे गोला लगाओ। लगा लिया? जब लगा लो तो थंब दिखा दिया करो। अब ये सेकंड क्या है मैम? एक केस वाली वाला क्या है? दो केस वाली, एक केस वाली और दोन केस वाली, दोनों पे लगाओ। अब इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में देखिए, सेकेंड लाइन में एक की और आखिरी लाइन में दो की, दोनों पे लगाओ। एक की और दो की, मिला सबको? एक केस वाली का एक ही बाल था इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे,
दोन केस वाली एक बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। सबको मिला एक की और दो की। हाँ मैम मुझे नहीं मिला। किसको नहीं मिला? मैम गतिक। बेटा सेकंड पैराग्राफ देखो ना, 96 पेज पर। मैंने तो पढ़ के भी दिखा दिया पूरा। मैम आप कहानी में तर्जुमा करवा रही हो ना? समर साहब क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। एक केस वाली पर लगा दिया और दो केस वाली पे लगा दिया। उसका अगला जो पैराग्राफ है उसमें एक की और दो की लिखा है, देखो जरा गतिक। ओके मैम। मैम एक की मिल गया। उसी के एक लाइन छोड़ के दो की है। दो की भी मिल गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको एक की और दो की मिल गया। यस नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। दूसरी लाइन में पहला ही शब्द है दुनिया। अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। वो दुनिया में गोला लगाओ। लगा लिया? लगा लिया। गतिक मिला? अब उसी लाइन में आखिरी शब्द है फुर्सत। उसी लाइन में, सेम लाइन में आखिरी शब्द है फुर्सत। मैम मिल गया। ओके मिल गया। मैम मैम आप शुरू से सुना दोगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी मैं शुरू से, क्योंकि मुझे पता है तुम जगह पे नहीं थे, तुम कहीं तो भी घूम के आए हो। मैम पता है कुछ, मेरे है ना भैया अभी है ना चेक कर रहे थे वो अभी क्लास, इसलिए वापस बता दोगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं वापस, मैं जहां हूं मैं वहीं से करूंगी। अच्छा फुर्सत के बाद उसी के नीचे वाली लाइन में देखो उलझे। मिल गया? यस मैम। हाँ उलझे पे लगाओ। अब उलझे के बाद अगली लाइन रौब। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। रौब मिल गया? यस यस मैम। मैम रैपल औ की मात्रा और ब। रौब, र पे औ की मात्रा रौ, ब रौब। आप इसी पैराग्राफ में आखिरी लाइन देखो, बीच में दो लाइन छोड़ के अगली लाइन में है प्यास। पानी, मुझे प्यास लगी है। मिला? प्यास। यस मैम। यस मैम। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ दो अगली लाइन में मुरझाई। मुरझाई मिला? यस यस मैम। हाँ मुरझाई के बाद ही एक शब्द के बाद है मेहंदी। मिला? यस यस मैम। और मेहंदी वाले लाइन की अगली लाइन में है पत्ते और सरसरा। ये दोनों में अलग अलग लगाना है, पत्ते में अलग और सरसरा में अलग। ओके अब पेज कर दो। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में सेकंड पैराग्राफ में देखिए मेहंदी की झाड़ी बोली धन्यवाद। मिला? मेहंदी की झाड़ी बोली। दो लाइन छोड़ दो, दो लाइन छोड़ के। यस मैम।
धन्यवाद। धन्यवाद के बाद देखो दो आधी आधी लाइनें हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हाँ, फिर अचानक सन्नाटे, सन्नाटे पर लगाइए। अगली दो छोटी छोटी लाइनें छोड़ दीजिए और बड़ी लाइन में है सन्नाटे। मैम धन्यवाद। काय की आवाज आ रही है बेटा? मैम बोलो ना। मैम मैंने धन्यवाद ढूंढ लिया, नहीं है मैम, मिल गया। कहीं नहीं है धन्यवाद, देखो जरा। क्या? तो फिर मैंने कैसे बोल दिया? धन्यवाद के नीचे ही है सन्नाटे, देखो जरा। सन्नाटे, दो छोटी लाइन छोड़ो। सन्नाटे, मैम मिल गया। हाँ, अब माइक ऑफ करो, आपके यहाँ से शोर आ रहा है। अब सन्नाटे के बाद एक लाइन छोड़ दो। सन्नाटे के बाद एक लाइन छोड़ दो और उसकी अगली लाइन में देखो मरियल सी, मरियल सी। मिल गया मैम। आप सन्नाटे के बाद सन्नाटे के बाद एक लाइन छोड़ दो और उसकी अगली लाइन में मरियल सी। मैं दोनों को करना है सर्कल? हाँ, एक साथ। अब अगला पेज अगले पेज में सेकेंड लास्ट लाइन ले लो बेटा, सेकेंड लास्ट लाइन नीचे से दूसरी लाइन दिखी क्या? नीचे से दूसरी लाइन, एक की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। मिली लाइन? अगर मिली तो मुझे थंब दिखाओ। एक की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। इसमें देखो हैरान और झोपड़ी, ये दो शब्द लगाने हैं। हैरान और झोपड़ी। ओके 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 ओके। चलिए अभी इतने शब्द आप लिखिए, बाकी के मैं बाद में लगवा दूंगी या मैं लिख कर भेज दूंगी, ठीक है बेटा? है ना? कॉपी में एक शब्द तीन बार। बेटा ये तो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, कठिन शब्द हम एक वर्ड को तीन बार लिख रहे हैं। मैम झोपड़ी के बाद क्या था? झोपड़ी के बाद, झोपड़ी के बाद अभी कुछ नहीं था, झोपड़ी के बाद मैंने बंद करवा दिया क्योंकि टाइम हो रहा है, ठीक है? ओके ओके। तो ध्यान रखना है, मैं आज सिलेबस भेजने वाली हूँ असेसमेंट थ्री का, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है और मंडे से मैं शुरू करूंगी, मंडे 18 तारीख 18 जनवरी 2021 से मैं शुरू करूंगी, ठीक है बेटा? ओके, नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। शांति पाठ के लिए हाथ जोड़ लो। Shyam,
हैप्पी संक्रांति। हाँ आपको भी हैप्पी संक्रांति। हैप्पी संक्रांति मैम। हाँ आप भी।